नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइफ केयर हॉस्पिटल इंदौर की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीता अग्रवाल, जो बताएंगे कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। आप भी फोन कर सकते हैं और डॉक्टर विनीता से आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर विनीता, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ बातें आपको बता सकूं, मेरा अभिनंदन है। जो अभी डर हर पेरेंट्स में है जी, उस चीज़ के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ ताकि आप लोगों को उस डर का सामना करने की हिम्मत आए। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, बच्चों से जुड़े हुए सवाल आपसे करेंगे। सबसे पहला सवाल, मौजूदा समय में बच्चों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है और आगे आने वाले समय में, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जाहिर की गई है, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या ख्याल रखना होगा माता पिता को? जी, हम लोगों ने ये चीज़ सुना है कि थर्ड वेव जो आने वाला है वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अभी जो लैंसेट इंडियन टास्क फोर्स बनी है, जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यूएसए और अमेरिका और यूके को लेके, उन्होंने ये बताया है कि हमें कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कोई प्रमाण नहीं है कि जो थर्ड वेव होगा वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होगा। पिछले दो वेव्स में भी देखा गया है, बच्चों में एक इम्यूनिटी होती है, बच्चों में एक सहनशीलता होती है, उनमें एक ताकत होती है जो ऑटोमेटिकली इस वायरस से लड़ने की शक्ति देता है। इसी प्रकार से थर्ड वेव जो पीडियाट्रिक में आने वाला है, इसकी बहुत कम संभावना है। फिर भी हमारा गवर्नमेंट और हमारे जो पूरे हॉस्पिटल के कर्मचारी और हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, वो इसी चीज़ में लगे हैं कि यदि आए तो पिछले वेव जैसा हम लोगों को बेहोश ना करते हुए हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हम इसकी पूरी तैयारी करें। और मेरा आप सबसे राय है कि आप लोग इस चीज़ के लिए ये सबसे प्रथम करें, जो बेसिक चीज़ें हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड वॉश करना, बच्चों को कोई भीड़ भड़का की जगह पे ना ले जाना, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आहार पे अत्यंत ध्यान देना, क्योंकि बच्चे जो फास्ट फूड के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो लोग जोमैटो ऑर्डर करें, स्विगी ऑर्डर करें। आप कोशिश ये करें कि सारे बच्चे घर का बना हुआ उचित और संपूर्ण आहार लें, जो कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि किस प्रकार से देना है। जी डॉक्टर विनीता, आहार की आपने बात की, तो बच्चों के लिए क्या इस वक्त बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए? बिल्कुल, बैलेंस डाइट हम लोग आज से नहीं, बहुत समय से हर बच्चों को एक प्रेरणा देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और जो आप लेटेस्ट आपको पता है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि कोविड में अगर ओबीज बच्चे को ये बीमारी हुई तो उसका निकलना और उसको संभालना अत्यंत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है, कोमोबिडिटी में आ जाता है। आपको ये कोशिश करना है कि आप बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी मात्रा हाई रखें, जिसमें से हम आजकल फाइबर युक्त खाना और प्रोटीन युक्त खाने को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। आप फाइबर युक्त भोजन, जैसे कि ज्वार की रोटी है, आप जैसे कि चोकर भरे आटे की रोटी है, आप इस तरह से आप खाने को चोकर युक्त करें, फाइबर युक्त करें। और प्रोटीन्स में आपको पनीर है, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स हैं, आप दही है लैक्टोबैसिलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस तरह से कॉम्बिनेशन फ्रेश डाइट का, बच्चे एक तरीके का डाइट नहीं लेते हैं, वो कोशिश करते हैं कि रोज़ इनको एक डिफरेंट खाना दिया जाए, एक डिफरेंट तरीके से पेश किया जाए उनके खाने को। इसलिए उनके खाने को आपको ध्यान ये रखना है कि कलरफुल बनाना है। हमारे सारे कलर्स हैं जो कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इनको आपको मिक्स करना है आपके आहार में। यस जी,
क्योंकि बच्चे घर में हैं बहुत टाइम से और पढ़ाई लिखाई भी घर में, अगर आप उनको खेलना भी है तो माता पिता सजेस्ट करते हैं कि आप पार्क ना जाकर घर में खेलिए। ऐसे में बच्चे भी बहुत तनाव में हैं, तो डॉक्टर विनीता आप क्या सलाह देंगी माता पिता को, कैसे अपने बच्चे को एक्टिव रखें और तनाव मुक्त रखें? हाँ, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और जिस तरह से बच्चों को स्कूल से भी वंचित किया गया, जो उनके बढ़ने का समय है, जो उनके लोगों से मिलने का समय है, उससे रोका गया। और ये बच्चे ऐसे होते हैं जो शेयर करते नहीं हैं, वो अपनी तनाव को बताते नहीं हैं क्योंकि वो इतना सफ़र कर चुके होते हैं। कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप इस कोरोना में ख़त्म हो गए, जो कि अनाथ हो गए, कितने बच्चे हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जी रहे हैं। इनको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग आपके फ्रेंड्स से फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे ज़रूर आप एक दूसरे से मिलें, गेम्स खेलें। आजकल ऑनलाइन गेम्स हैं, उसको स्क्रीन टाइम हम कहते हैं। आप एक घंटा या दो घंटा स्क्रीन टाइम दें। पेरेंट्स घर पे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम और कठिन हो गया है, 24/7 फादर्स वर्क कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं कि कुछ समय निकालें, जैसे कि कैरम बोर्ड खेलें, चेस खेलें। उनका पढ़ने का जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि टीचर्स आजकल इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होल्ड कर रही हैं। बच्चे जो सिंगल बच्चे रहते हैं माँ बाप के, जिनके एक ही बच्चा है, वो अपने आप को बुक रीडिंग में, अपने छत पे ही आपका जो अगर टेरेस है, आप वॉकिंग करिए, आप छोटे से क्रिकेट खेलिए, आप बैडमिंटन छोटा वाला टेरेस पे खेलिए, गार्डनिंग करिए, टेरेस गार्डनिंग। आप कोशिश ये करें कि बच्चे अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, उनके सोने का समय, उनके खाने का समय, सब कुछ आप निश्चित करें। आप ये ध्यान रखिए कि कुछ रैंडम ना हो। आप बच्चों की तरफ बहुत प्यार से पेश आए, डांटना, डपटना, मारना, ये सारी चीजों को अवॉइड करें, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बचें। जी डॉक्टर विनीता, एक सबसे अच्छी बात रही कि बच्चों को बड़ा समय मिला अपने माता पिता के साथ रहने का, क्योंकि अगर वर्किंग पेरेंट हैं तो फिर बच्चों के लिए भी उतना ही मुश्किल है कि कहाँ से वो समय निकालें अपने माता पिता के साथ, और इसी तरीके से माता पिता के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वक्त में जब माता पिता भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, इस बॉन्ड को आप कैसे देखती हैं और ये कितना बेहतर है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए? बहुत सकारात्मक रूप में देख रही हूँ मैं, आपको बता नहीं सकती। लॉकडाउन इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, और बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो आज यही कहते हैं कि मैम, वी आर सो हैप्पी कि आज हमारा बच्चा हमारे साथ घर पे है। इस दौर में जब हम लोग देख रहे हैं, लोग हर फैमिली में एक ना एक डेथ, हर फैमिली में एक ना एक कोविड, उस दौरान ये बच्चे हमारे लिए सोने जवाहरात से आज बढ़कर हैं। वो हमारे साथ हैं, कोई बाहर पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में था, कोई मेडिकल कॉलेज में था, कोई छोटे छोटे बच्चे थे जो 8 घंटे स्कूल जाते थे, उनको अपने आँखों के सामने खेलते हुए, किलकारियाँ लेते हुए और उनको उनके करियर गोल की तरफ जाते हुए धीरे धीरे हम लोग जो देख रहे हैं, वो इतना संतुष्टि देता है। क्योंकि एज अ मदर मैं ये जानती हूँ कि मेरा बेटा 2 साल से जो घर पे है, इंजीनियरिंग कॉलेज से वो घर आया और आज वो US की जाने की तैयारी में है, बिकॉज ही कुड स्टडी एंड ही कुड डू वेल हियर। वो यहाँ पर इतने अच्छे से कर पाया। हर माँ बाप आज बहुत प्रसन्न है कि हमारा बच्चा घर में है। छोटी सी किसक रह जाती है कि काश वो स्कूल जाके उस चीज़ को एंजॉय कर पाता, बट डर भी रहता है कि हम इतने बच्चों के बीच में उनको भेजेंगे तो कहीं वो इन्फेक्शन ग्रस्त ना हो। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि लॉकडाउन शुड बी टेकन पॉजिटिवली। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच के ही ये नीति लेती है। जी अभी भी अब स्कूलों को लेकर सरकार अभी सोच रही है, लेकिन कई राज्यों में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है गवर्नमेंट को कि अब स्कूलों को खोलना चाहिए, हालांकि इस पर कहीं पर भी अभी बहुत कड़ा कोई फैसला नहीं है। अगर ऐसे में स्कूल खुलते हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बच्चों को स्कूल जाना चाहिए? अगर बच्चे जाते हैं तो फिर एहतियात क्या क्या उन्हें बरतने चाहिए? राइट
वेरी गुड क्वेश्चन मैम. मैं ये कहूँगी कि स्कूल डेफिनेटली खुलने चाहिए. देखिए क्या है, बच्चों का जो ग्रोथ है वो एक सीमित एरिया में नहीं होता. ये सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ खेल नहीं होता है. इट इज़ ऑल अबाउट, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं कि आप अपने उम्र दराज लोगों से मिलें, आप अपने टीचर से मिलें, आप अपने स्पोर्ट्स पर्सन से मिलें, आप स्कूल जाएँ, आप स्कूल से आएँ. ये सब एक लर्निंग प्रोसेस है. बच्चों के लिए अति आवश्यक है कि वो एक एनवायरनमेंट में, एक सोसाइटी में अपने आप घुल मिल सकें. अब बात आती है खुलने की. यदि स्कूल खुलते हैं, आपके पास, पेरेंट्स के पास दोनों ऑप्शन ओपन रहेंगे कि वो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं कि ऑफलाइन कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑन कैंपस करना चाहते हैं. सो दैट इज अगेन, ये हमारी खुद की चॉइस है. बट मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चों को बिल्कुल स्कूल भेजना चाहिए. प्रिकॉशंस आप लीजिए. प्रिकॉशंस में हर बार वही प्रिकॉशंस रहता है कि आप टिफिन शेयर करने ना दें, आप पानी की बॉटल शेयर करने ना दें, आप बच्चों के बीच में दो एक बेंच में, जैसे हर जगह आज गवर्नमेंट ने ऐसी बनाई हुई है स्कीम्स की, आप थोड़े दूर खड़े रहें, आप एक डिस्टेंस बना के रखें, बट फिर भी आपको एक एटमॉस्फेयर मिले कि मैं क्लास में हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे से लोगों से मिल रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ और मैं उस ग्रोथ से उभर रहा हूँ. वैक्सीनेशन इज येट अनदर थिंग जो कि मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाह रही थी कि जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं, अभी हमारे पास 18 साल के ऊपर के वैक्सीन अवेलेबल हैं. अगस्त 21 और दिसंबर 21 तक हमारे पास बहुत सारे वैक्सीन्स इंडिया प्रोक्योर करेगी जो कि हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा. लेकिन 12 से 18 साल के जो वैक्सीनेशंस हैं, इसके बारे में ट्रायल्स चल रहे हैं एम्स दिल्ली और एम्स पटना में. सो मैं इन बच्चों को जो स्कूल जाएंगे, इनके लिए फिर एक वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा जो कि बच्चों को लगवाना रहेगा. मैं फिर कहूँगी कि बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजिए प्रिकॉशंस के साथ. जी डॉक्टर विनीता, एक सवाल जो कि मुझसे किसी ने पूछा था, कहा था कि जब आप शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ बैठे तो ज़रूर ये सवाल कीजिएगा. तो ये सवाल ये रहा कि बहुत सारे छोटे बच्चे, बिल्कुल जो 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, वो अमूमन अगर हम देखें तो वो बोलने लगते हैं. 2-2.5 साल के समय में वो बोलने लगते हैं, इशारे से अपनी बात बताने लगते हैं. लेकिन जो बच्चा पिछले साल पैदा हुआ और पिछली बार भी लॉकडाउन हो गया, बच्चे का डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाया, इस बार भी देखिए पूरा टाइम लॉकडाउन में जा रहा है, ऐसे बच्चों की डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ा है. वो बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा अकेले रहने की, गैजेट के साथ रहने की उनकी आदत पड़ गई है. तो इस आदत को कैसे कम किया जाए? बिल्कुल सही बात आपने बोली मैडम. बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जिनमें ये कंप्लेन आई है डिलेड स्पीच की, लोगों से नहीं मिलने की, आंखों से आंखें मिला के बात करने की क्षमता का कम होना. आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि 1 से 2 साल के बच्चों के बीच में ये बहुत ज़्यादा पाया गया है कि वो स्वयं अपने आप में ही रहते हैं, ना वो किसी से इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने आप ही गैजेट्स और मोबाइल का क्रेज़ अनलिमिटेड बढ़ा है. बच्चों में हम अगर इंजेक्शंस लगा रहे हैं, इंट्राकैथ लगा रहे हैं, तब भी वो बच्चे रोते नहीं हैं यदि उनके हाथ में मोबाइल है. ये आप डेफिनेटली सही बोल रहे हैं. ये 2 साल में हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे. बट अगेन आई वुड से कि ये जो रीज़न है, इसके पीछे कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है. आप इतना गैजेट फ्रेंडली ना हो कि आप एक साल भर के बच्चे को मुँह में अगर कोई आप निवाला देते हैं या आप कोई खाना देते हैं तो आप एक मोबाइल के ज़रिए उनको गाना सुना रहे हैं या आप कोई सीन दिखा रहे हैं, तो वो बच्चा उसके लिए कंडीशन हो जाता है, वो बच्चा उसकी आदत में आ जाता है. आपको पहले जैसा, पहले भी तो कोई साल भर का बच्चा बाहर नहीं जाता था, पहले भी तो ये बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते थे, बट वो एक जॉइंट परिवार का था कि दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो नहीं है मैं मानती हूँ. बट न्यूक्लियर फैमिली में एक साल भर के बच्चे को आप प्लीज़ ये चीज़ सोचिए कि आप उस बच्चे को एज अ नॉर्मल न्यूबॉर्न टू 2 ईयर्स कैसे इन्फेंट को आप पालेंगे, जो कि आप लॉकडाउन के पहले करते थे, आप वैसे ही करें, उनको क्रॉल करने दें,
उनको खड़े होने दें, उन्हें चोट लगने दें, उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना रखें। मास्क पहनाना आजकल के पीडियाट्रिक कैटेगरी में लेस देन 6 ईयर्स बोला गया है कि आप ना पहनाएं, क्योंकि उनको ये ठीक से पहनने नहीं आता है, वो उसको गल्प कर सकते हैं फॉरेन बॉडी जैसा। आप उनके साथ गेम्स खेलें, आप उनके साथ खाना खिलाएं, बट गैजेट्स को आप मिनिमम यूज़ करिए, आप उनसे बात करिए, आप उनसे कॉन्वर्सेशन रखिए, आप उनको समय दीजिए, बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप थोड़ा सा समय आपके बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। बिल्कुल, अब शुरुआती लक्षण को लेकर मैं बात करूंगी, क्योंकि ये तो एहतियात की बात हुई कि कैसे अपने बच्चों के लिए आप एहतियात बरतें, उनके साथ कैसे अपना टाइम स्पेंड करें। लेकिन अगर कोई बच्चा कोरोना संक्रमित है तो माँ बाप इसकी कैसे पहचान करें, शुरुआती लक्षण बच्चों में क्या हो सकते हैं? यस, आपको ध्यान ये रखना है कि पुराना जो दो वेव आया, फर्स्ट वेव में हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बहुत कम देखे, बट सेकेंड वेव में हमने बहुत सारे बच्चे देखे जो कि पॉजिटिव रहे। भगवान की कृपा ये रही कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ा इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप, बट सिम्टम्स के लिए सतर्क रहना अति आवश्यक है। बड़े लोगों जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, खांसी, सर्दी, फीवर, ये अब देखा गया है कि ये कम है। ज़्यादा सिम्टम्स जो बच्चों में देखे जा रहे हैं वो है वॉमिटिंग, लूज मोशंस, एब्डोमिनल पेन मतलब दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, चक्कर, घबराहट, आंखें लाल होना, छोटे छोटे शरीर पे चकत्ते निकलना, कभी कभी बुखार होना, और सर्दी खांसी फ्लू जैसी प्रॉब्लम्स तो बच्चों में अक्सर रहती हैं। सो कोरोना से आपको ध्यान ये रखना है कि ये ऐसे कोई भी सिम्टम हो जिसमें बच्चा आपको लगे कि सुस्त हो रहा है, ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं है, आपको तुरंत आपके पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना है, आपकी सारी जांचें करवानी हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कि माइल्ड हैं, कि मॉडरेट हैं, कि सिवियर हैं, किस कैटेगरी में आते हैं कि आप होम क्वारंटाइन होंगे या कि आप हॉस्पिटलाइज होंगे, किस कैटेगरी में आते हैं कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आजकल जो गवर्नमेंट ने रूल्स और गाइडलाइंस निकाले हैं, पहला गाइडलाइन ये है कि किसी भी बच्चे को रेमडेसिविर ना दिया जाए जी। दूसरा गाइडलाइन ये है कि स्टीरॉयड ना दिया जाए। तीसरा है कि सीटी स्कैन नहीं कराया जाए। जब तक हमें बिल्कुल लगता है कि बच्चा क्रिटिकल है तब तक ये बिल्कुल एडल्ट से डिफरेंट है। वी आर नॉट गेटिंग HRCT डन, हम लोग नहीं करवा रहे हैं ये सारी चीज़ें। चौथा गाइडलाइन है कि घर पे माँ बाप एक 6 मिनट वॉक, 6 मिनट का पैदल चलना। जो बच्चे हमारे 11 साल से बड़े हैं उनको हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उनको हम चलने बोलें नॉर्मल पेस पे, घर पे 94% सैचुरेशन होना चाहिए। यदि 94 से 2% या 3% कम होता है, इन दैट केस उसको हाइपोक्सिया होने की संभावना अत्यधिक है। आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है, आपके टेस्ट करवाने हैं, हो सकता है इस बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। इस प्रकार के ये 6 मिनट का वॉक टेस्ट आप हर 8 घंटे में अपने बच्चे में सिम्टम्स अनुसार कर सकते हैं। फीवर के लिए आप प्लेन पैरासिटामोल दीजिए। कृपया करके एंटीबायोटिक्स की जो सब प्रचलन है हर गांव-गांव में, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्लीज फॉर गॉड से, पीडियाट्रिक अलग है, आप कोई भी एंटीबायोटिक्स, कोई भी स्टीरॉयड अपने मनमर्जी से ना दें। आप एक पैरासिटामोल प्रॉपर डोज में देंगे, बच्चा स्वस्थ रहेगा। कोरोना के लक्षण पहचानने की क्षमता आप सब में होनी चाहिए और आपको डॉक्टर से संपर्क करना जी। चाहिए। डॉक्टर विनीता, तीसरी लहर की आशंका के साथ ही कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए अब निमोनिया की वैक्सीन लगाई जा रही है, इसके पीछे का रीज़न मैं ज़रा समझना चाहूँगी आपसे। हाँ जी, बीच में मैसेंजर RNA करके ये जो ये है कोरोना, इसमें जो वायरस है इसका मैसेंजर RNA वायरस है ऐसा बताया जाता है। ये वायरस के लिए हम पहले चला कि BCG लगाओ, फिर चला कि MMR लगाओ। ये सारे वैक्सीन्स इसलिए लगाए जा रहे थे कि बच्चों में समहाउ ये कोविड प्रिवेंशन की वैक्सीन के रूप में काम करेगा।
कोई भी स्टडी नहीं है, कोई भी साइंटिफिक इसके बारे में जानकारी नहीं है। वैक्सीन्स का अपना एक शेड्यूल है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि नेशनल लेवल पे चलता है, बट दैट डजंट मीन कि ये कोविड प्रिवेंशन वैक्सीन्स हैं। जी, जहाँ तक आपके इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन्स हैं, ये आज से नहीं, बहुत समय से चल रहे हैं, जिसको साल में दो बार लगवाने के लिए या साल में एक बार और अगले साल फिर से एक बार लगाया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्लू लाइक इलनेस। फ्लू लाइक इलनेस मतलब सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम्स जो कि वायरस द्वारा किए जाते हैं। जी, तो पता किया गया कि क्या कोरोना भी एक फ्लू लाइक इलनेस प्रेजेंट करता है, क्या हम फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चे प्रिवेंट होंगे, ऐसा कोई स्टडी नहीं है। आप इन्फ्लुएंजा ज़रूर लगवाइए बट एज अ शेड्यूल ऑफ WHO इम्यूनाइजेशन। अपने आप अपने मन मर्जी से आप ये कहीं भी जाके ये वैक्सीन कभी ना लगाएं, कहीं कोई स्टडी नहीं है इसके बारे में। जी, नवजात बच्चे से लेकर कुछ साल तक बच्चों को इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जो नॉर्मल इंजेक्शन्स बच्चों को लगते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर इस टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन का भी टाइम था, फिर कोविड के मामले बहुत ज़्यादा थे, तो पेरेंट्स भी डर रहे थे कि बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाए या ना जाए, ऐसे में अगर कोई वैक्सीन मिस हो जाती है बच्चे की, तो ये क्या वरी होने वाली बात है या उसे वो थोड़े दिन बाद भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल मैम, थोड़े दिन बाद लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन बहुत छूटा, फर्स्ट वेव में हमें बहुत जानकारी थी नहीं कोरोना के वायरस के सिम्टम्स के बारे में, सो दैट इज़ व्हाई व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग ही मना कर रहे थे कि आप हॉस्पिटल ना आए, आपके बच्चों को एक्सपोज ना करें। बट ग्रेजुअली जब पता चला कि बच्चे बहुत पिछड़ गए वैक्सीनेशन में, जो कि इतनी ज़रूरी चीज़ है, हर 5 साल से बच्चों के अंडर 5 ईयर्स हमारे वेल बीइंग के लिए, तो वैक्सीनेशन के जिन जिन बच्चों में डीले हुआ है, हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से पिकअप किया। इस साल हमने बहुत सारे वैक्सीनेशंस को बैकलॉग से करके नॉर्मल रिदम पे आए। अभी भी मैं सारे ग्राहकों से, सारे दर्शकों से यही निवेदन करूंगी कि अगर आपके बच्चों के वैक्सीन किसी ना किसी कारणवश कोरोना की वजह से डिले हुए हैं, आप हमारे हॉस्पिटल आएं, आप कोई भी पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, आपका हर वैक्सीन उस हिसाब से, जैसे आप 1 महीने डिले हैं तो आपका 1 महीने आगे करते करते कोई भी वैक्सीन आपका छूटेगा नहीं, आपके सारे वैक्सीन्स को रीशेड्यूल किया जाएगा, रीअपॉइंटमेंट दी जाएगी और आपके बच्चे को पूर्णतः वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जी, अब कोविड से जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस का खतरा हम देख रहे हैं बड़े लोगों में, बच्चों में भी कई जगहों पर इस तरीके के केसेस देखने को मिले। रायपुर और भोपाल की ही मैं बात करूं, वहां पर कुछ केसेस ऐसे आए थे कि छोटे बच्चों में भी ब्लैक फंगस का खतरा पाया गया, तो इसकी सच्चाई क्या है, ये कितना खतरनाक है छोटे बच्चों के लिए? ओके, इसको हम म्यूकोर माइकोसिस के नाम से जानते हैं ब्लैक फंगस को। अनफॉर्चुनेटली इस बार जो देखने में आया वो एकदम बाढ़ जैसा आया, इट केम एज अ फ्लड। हम यहाँ पर जूझ रहे थे कोविड सिम्टम्स के साथ, हम लोग उसको उबरने की कोशिश कर रहे थे, ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे, दवाइयाँ अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसने एक बहुत भयंकर रूप लेके उन पेशेंट्स में जिनमें स्टीरॉयड्स दिए गए, उन पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज़ था, उन पेशेंट्स में जिनको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन लगाया गया, उन पेशेंट्स में हमने डेफिनेटली म्यूकर माइकोसिस के सिम्टम्स देखे और हमारे हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट हुए। जी, कोई सक्सेसफुली जिनके ऑपरेशंस हुए, कोई कोई किसी किसी को हमें खोना पड़ा। पीडियाट्रिक एज ग्रुप का जहां तक मैम आप बता रहे हैं, डेफिनेटली पाया गया है, बट इसके इक्के दुक्के पेशेंट्स हैं और वो भी कोविड पॉजिटिव ना नहीं रहे हैं। इट वॉज अ चांस डायग्नोसिस फंगस का। ये डेफिनेटली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स रहे जिनकी बॉडी में या तो रीनल डिसफंक्शन होगा या कैंसर होगा, या जिन बच्चों को बहुत लंबे समय से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे, या जो डायबिटिक इंसुलिन डिपेंडेंट्स डायबिटिक मेलिटस, इनमें देखा गया कि ये फंगस पाया गया है उनमें, बट दिस वाज नॉट रिलेटेड, ये किसी भी रूप में कोविड रिलेटेड फंगस पीडियाट्रिक एज ग्रुप में नहीं था। वी फाउंड इन एडल्ट्स बट नॉट इन चिल्ड्रन, बच्चों में नहीं पाया गया। डॉक्टर विनीता, अगर कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव है तो उसके माता पिता को कितना चांस है पॉजिटिव होने का, और इसी के उलट अगर माता पिता पॉजिटिव हैं तो बच्चों में कितना फैलने का चांस है? अह
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप एक ही परिवार में हैं, आप एक ही घर पे रहते हैं, आप एक ही एटमॉस्फेयर शेयर करते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं, फादर मदर की बात करती हूँ मैं, तो क्वारंटाइन होने में हमने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, क्योंकि एक बच्चा जो कि माँ के ऊपर निर्भर करता है, हर प्रकार से उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ही ढूंढता है, उसको अलग करना बहुत मुश्किल पाया गया। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि संभव नहीं था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मास्क पहने अकेले से, यहाँ तक कि न्यूबॉर्न बेबीज जो मदर को पैदा हुए उनको अगर कोविड पॉजिटिव था, वो न्यूबॉर्न बेबीज को हम बचा सके, केवल मदर मास्क पहनती थी, हैंड वॉश करती थी, बेबी को हैंडल करती थी, वो एक असिस्टेंट रहता था जो कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को फीड करता था, माँ का दूध निकाल के देते थे, हम बच्चे को बहुत बचा पाए। लेकिन कुछ बच्चे जो कि नहीं फॉलो हुआ, जिस घर में क्वारंटाइन के सिम्टम्स, जो मास्क नहीं पहने, डिस्टेंस नहीं बनाए, उन बच्चों में पॉजिटिव हुए जरूर, बट कोई भी बहुत सीरियस नहीं हुए। उनको भी हम बहुत लिमिटेड ड्रग्स में, हम उनको घर पे ही ट्रीटमेंट दे सके, हम उनसे मोबाइल पे, हम उनसे व्हाट्सएप पे कंटिन्यूस टच में रहे, हम उनका ऑक्सीजन और SPO2 मॉनिटर करते रहे, और हम लोगों ने देखा विद इन 7 to 10 days चिल्ड्रन अच्छे रिस्पॉन्ड करे। बहुत मुश्किल से इक्के दुक्के बच्चे होंगे जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, पर 90% जो कि मम्मी पापा से जिन्होंने इन्फेक्शन पकड़ा, वो अपने आप ही अच्छे से ठीक होके निकल के आ सके। डॉक्टर विनीता, आपकी बातों से माता पिता को बहुत मोटिवेशन मिला होगा। श्योर कि क्या रेट है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।